वेलकम फ्रेंड्स, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए सबसे पहले बताना चाहिए, अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर स्किप करते हैं तो बाद में दिक्कत परेशानी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा, क्या आप भी राजस्थान में फंसे हुए हैं और अपना घर आना चाहते हैं, बिहार आना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को फिल करना है आप लोग को और अपने घर आ जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो पूरा प्रोसेस में बताऊंगा आप लोग को इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। ओके फ्रेंड्स, वो भी अपने मोबाइल से खुद से कर सकते हैं। ओके फोन, तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए शुरू से अंत तक, कहीं भी स्किप मत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान से दानापुर पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन जो चलाई जा रही है, दो तीन दिन बाद चलाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस फॉर्म को फिल कर लें और आप भी अपने घर आ जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, अपना गूगल ब्राउजर ओपन करना है मोबाइल का। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं यहाँ पर टाइप किया हुआ हूँ, rajasthan.gov.in। ओके फ्रेंड्स, इसका मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली आप वहां से क्लिक करके इस फॉर्म के अंदर आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आपको फिल करके बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स। ओके फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स। तो इस पर हम चलिए क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ का यहाँ पे देख लीजिए लोगो लगा हुआ है और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यहाँ पर लिखा हुआ। तो चलिए नीचे हम आते हैं, तो चलिए नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, पूरा डिटेल्स मिल जाएगा हमको फिल करने के लिए। तो माइग्रेंट्स रजिस्ट्रेशन सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे क्या देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप दो ऑप्शन, माइग्रेंट मूवमेंट। ओके फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं लिखा हुआ माइग्रेंट्स मूवमेंट, तो यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ कि इनवर्ड और आउटवर्ड, इसका मतलब हो गया आपको देखते हैं अबक और जाबक, आप राजस्थान जाना चाहते हैं या राजस्थान से आना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप जो बिहार से राजस्थान जाना चाहते हैं या जो राजस्थान से बिहार आना चाहते हैं, उनके लिए ये चूज करना है आउटवर्ड, और जो बिहार से राजस्थान जाना चाहते हैं उनके लिए ये चूज करना है अबक। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप बिहार से बिहार आना चाहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं, तो आउटवर्ड पे यहाँ पर सेलेक्ट रहने दें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, सोर्स एड्रेस मतलब स्रोत, आप कहाँ से हैं, राजस्थान में किस क्षेत्र में रह रहे हैं, रूरल या अर्बन में, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं या शहर क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है स्टेट। यहाँ पे वेबसाइट है ओनली राजस्थान में, जो भी बिहार के व्यक्ति फंसे हुए हैं राजस्थान में उन्हीं के लिए लिंक जारी किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सोर्स एड्रेस में यहाँ पर रूरल रहने देना है। ओके फ्रेंड्स, या अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल रहने देना है, या यहाँ अगर शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं राजस्थान में तो यहाँ पे अर्बन पर क्लिक कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स डिवीज़न है, तो डिवीज़न सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट के लिए है कोटा डिवीज़न, तो यहाँ पे कोटा डिवीज़न पे सेलेक्ट कर लेना है। जयपुर ग्राम प्रभार के लिए तो जयपुर डिवीज़न, तो यहाँ पर आप जैसे भी कोई भी सिलेक्ट, जहाँ पर रह रहे हैं आप वहाँ पर सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट के लिए ये देखिए ये है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, तो यहाँ कोटा सेलेक्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ तहसील, तहसील सेलेक्ट करना है राजस्थान का तहसील, तो यहाँ पे देख सकते हैं कनवास। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान जिस पंचायत में आप रह रहे हैं उस पंचायत का पूरा एड्रेस फिल कर देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए मैं फ्रेंड। उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस टाइप करना है। ओके फ्रेंड्स, आप किस बिल्डिंग, मकान नंबर, गली नंबर, पिन कोड, पूरा एड्रेस इसमें फिल कर देना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि गवत कहाँ से, गवत कहाँ से आप राजस्थान से कहाँ तक जाना चाहते हैं बिहार में। ओके फ्रेंड्स, तो बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहेंगे पूरा एड्रेस यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है बिहार। उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट कर, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिख देना है जो आपके आधार कार्ड पर अपना एड्रेस हो, यहाँ पर फिल कर देना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे आते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स माइग्रेंट वन,
तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे फुल नेम आधार कार्ड के अनुसार, वहाँ पे यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, अब जो भी जेंडर हो पुरुष हैं तो पुरुष, महिला हैं तो महिला, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पे आधार कार्ड के अनुसार अपना जो है वर्ष जोड़ के यहाँ लिख देना, ओके फ्रेंड्स। अगर आप फैमिली मेम्बर हैं, आपके फैमिली में दो चार आदमी हैं, तो यहाँ पर क्या करना फ्रेंड्स, अपना नाम सेलेक्ट करना, देख लीजिए माइग्रेंट वन, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर दो चार मेम्बर हैं आप तो यहाँ पर ऐड माइग्रेंट पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं बहुत सारे व्यक्ति का नाम, ओके फ्रेंड्स। अगर आप फैमिली के साथ रहें सारा फैमिली का नाम एक ही रजिस्ट्रेशन से आप लोग घर आ सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ओनर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, क्या आपके पास ट्रांसपोर्ट है या किसी अन्य ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, आपके पास ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट हो तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है, तो यहाँ पे नो कर देना है क्योंकि। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ टिक मार्क आ जाएगा, इसको मार्क लगा देना है। जैसे मार्क लगाएंगे उसके बाद सारा डिटेल्स देख लेना फ्रेंड्स कि मैं भी जो भी डिटेल्स दिया हूँ वो सारा डिटेल्स सही है या नहीं, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इस रजिस्ट्रेशन को फिल करने के बाद आपको क्या करना, रजिस्टर करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ आ रहा है ई मित्र पोर्टल पर आपके द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन को यात्री करने की अनुमति ना समझे, सक्षम स्तर की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही यात्रा प्रारंभ करें। तो ये जैसे ही आप लोग इस रजिस्ट्रेशन को जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे तो आपके राजस्थान में जो नोडल ऑफिसर हैं उनके पास ये जो है सो पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन, आपका नोटिफिकेशन भी आपका भी वहां पे नाम चला जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेन जो चालू कर रहा है वहां से राजस्थान से दानापुर के लिए ट्रेन चालू कर रहा है, ओके फ्रेंड्स, उसमें आपको भी लाया जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद रजिस्टर्ड इसमें हो जाएगा सक्सेसफुली, ओके फ्रेंड्स। तो आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि मेरा जो है सो ट्रेन का टिकट अप्रूवल हुआ या नहीं, तो चलिए बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स चेक स्टेटस फॉर माइग्रेंट्स, ओके फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ COVID-19 माइग्रेंट डिटेल्स, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालना है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर का आईडी डालना है, ओके फ्रेंड्स। ऐसे आपका मोबाइल नंबर ही रजिस्ट्रेशन आईडी हो जाएगा आपका। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना और सबमिट पे क्लिक करना है, सारा डिटेल्स नीचे आ जाएगा। अगर आपको अप्रूवल मिला होगा ट्रेन के लिए तो आपको सारा डिटेल्स आपको दिया जाएगा कि इस ट्रेन में आपको जाना है, इतना बजे आपका ट्रेन का टिकट है, ओके फ्रेंड्स। तो उस डेट में आपको जाके जो भी डेट में आपका ट्रेन टिकट बन जाएगा यहाँ पे अप्रूवल दिखा देगा सारा डिटेल्स, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ से देख के अपने जा सकते हैं अपने घर, ओके फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जोर दबाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।